वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए। हम लोग ये समझ रहे हैं यदि ये सामान वीडियो में आएगा तो कब आएगा? उठो, चुका सामान वीडियो घर घर का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लोग है, वो लोग का खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हा उल्हा सब भीज गया है, लकड़ियाँ सब भीज गया है, कोई भी चीज सही नहीं है। तो इस समय हम लोग का वीडियो है नजदीक में, वीडियो आके जो भी नहीं देखेगा तो कौन देखेगा हम लोग का? कालचीनी क्षेत्र में निकासी व्यवस्था ठीक नहीं रहने और दीमा बगान के द्वारा पानी का स्रोत को रोके जाने का आरोप लगाते हुए आज सुबह से ही कालचीनी चाय बगान और रेल कॉलोनी के लोगों के द्वारा कालचीनी चौपती में पहुंचकर सड़क अवरोध कर जमकर हंगामा किया गया। इधर लोगों का यह आंदोलन सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो 11 बजे तक चला। इधर हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि कालचीनी ग्राम पंचायत के पास मोदी लाइन, कालचीनी चौपती, कालचीनी गोदाम लाइन के पास नाली का निकासी जाम है। वहीं दूसरी ओर डीमा बगान के द्वारा यहां से जाने वाली पानी का स्रोत को बांध बनाकर रोक दिया गया है, जिस वजह से रात से ही कालचीनी के गोदाम लाइन, कालचीनी स्टेशन लाइन, कालचीनी शांति कॉलोनी आदि जगहों में सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इस जगह से लोगों के घरों में पानी घुस जाने से विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। इस जगह घरों में राशन और घर में रखा सामान पानी के कारण नष्ट हो गया है। इधर भाजपा नेता राजेश बरला ने कहा कि इस जगह पानी के निकासी की समस्या है, वहीं नाली जाम रहने की भी समस्या है। इधर कालचीनी के बीडीओ को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया जिसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई है। इधर तृणमूल के कालचीनी ब्लॉक सचिव हैदर अली अंसारी ने कहा कि बगान के भूल के कारण आज यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि बगान के पास एक बड़ा नाला है जहां एक बांध की तरह बनाया गया है, जिससे ही आज पानी लोगों के घरों में घुस गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान हो, इसको लेकर यह प्रयास जारी है। इधर बगान मैनेजमेंट सूत्र ने कहा कि यह समस्या बगान की वजह से नहीं बल्कि नाली जाम की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि ड्रेन जाम एक समस्या है तो साथ ही ड्रेन के ऊपर घर का निर्माण कर लिया गया है, यही सब कारण है कि पानी सही से आगे नहीं जा पा रहा और चारों ओर पानी घुस रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो यह पानी लोगों के घरों में घुसा है उसका मुख्य कारण यही है। उन्होंने कहा कि हम भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इधर कालचीनी के ज्वाइंट बीडीओ आलोक बसाक में संपर्क करने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रात में पानी, मतलब बारिश का पानी पूरा घर में नाला वाला वहाँ पर छोटा छोटा बच्चा लोग है, वो लोग का खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हा उल्हा सब भीज गया है, लकड़ियाँ सब भीज गया है, कोई भी चीज सही नहीं है। तो इस समय हम लोग का वीडियो है नजदीक में, वीडियो आके जो भी नहीं देखेगा कौन देखेगा हम लोग का? मंत्री तो नहीं आएगा ना देखने के लिए? हम लोग का अभी वीडियो है ना, वीडियो आएगा हम लोग को देखने के लिए, क्या सुख है क्या दुख है लोग का बोल के? तो अभी तक वीडियो का पता नहीं है तो वीडियो किस काम के लिए? हम लोग के लिए तो बैठा है वो तो वीडियो। आपका नाम? आपका नाम सुनीता लोहार। रात कितना बजे से जाग लगे थे? हमरे मैंने 3 बजे राती से जाग ले आई, सूती है ना कि माचा में सब हरी माचा हिला थे सब हमरे का बुहाई सब चावल वावल सब खाना का सामान मन सब मतलब सब बुहाई गेलक, सब भिंज भुंजाए के एकदम खत्म आए पानी में। सूते के जगह न के अवस्था खराब। का नाम है के तोर? हमरे का मुन्नी लोहार। सिंचुला रायमोटंग हुई चास आर डी जोरदार एकदम ई हो गेछे ओके डीप करता है। আমরা বিডিও সাহেবকে এর আগেও বলেছি এই নালার মধ্যে গোপাল গোয়ালের বাড়ির সামনে পুরো প্রচন্ড নোংরা ছিল। বিডিও সাহেবকে বলাতে বিডিও সাহেব কিন্তু করেননি। আমরা বারবার বলেছি, পরে আমি নিজে পয়সা দিয়ে ড্রেনটাকে পয়সা জিসিবি দিয়ে লাগানো হয়েছে। বারবার বলানো সত্ত্বে বলে কি আপনারা নোংরা ফেলবেন আমরা পরিষ্কার করবো, সরকারের কাজ আছে এটা পরিষ্কার করতে হবে, কিন্তু উনারা কোন সময় বিডিও সাহেবের কথাটা শুনেন না। আজকে সকাল থেকে উনাকে ফোন করা হয়েছে, উনি ফোন রিসিভ করেননি। এটা তো একদম নিন্দনীয় যে ভোটের সময় মানুষের রাস্তা সবার বাইপাস জল ঢুকছে, সবাই কিচেনে জল ঢুয়ে গেছে, লোক রান্না করে খাইতে পারবে না। এই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা চাই বিডিও সাহেব আসুন,
আইসে ওটা একটা রাস্তা যে মানে জল যাওয়ার রাস্তাটা করে দিতে একশো বার আমি এখানে কোনো রাজনীতি করতে আসি নাই, সবার আগে এই যত সমস্যা আছে সমস্যাকে বিডিও সাহেবকে সমাধান করতে হয়। চারটার থেকে আমাদের যতজন আছি আমরা এখানে একটা ম্যানেজমেন্ট আছে চা বাগানের, ওই ম্যানেজমেন্টের জিদ্দিপনা, ওই ম্যানেজমেন্টের মানে বাগানকে শুধু ভাবতেছে কিন্তু ওই বাগানে যে মানুষ থাকবে তাদের না ভাবে, তার কিছু কিছু ভুলের জন্য আজকে এই অবস্থা হলো। বাগানের সাইডে একটা নালা আছে বড় ড্রেন, ওই ড্রেনের সাইড দিয়ে একটা বাম টাইপের বানানোর জন্য আজকে এভাবে জল বাড়ি বাড়িতে ঢুকছে। তারপরে আমরা গেলাম কোনোভাবে কেটে, সকালে ছেলে পেয়েদের নিয়ে নালাটা ড্রেনটা কেটে জলটা ওইদিকে আমরা মুভ করাইলাম। তো গ্রামের লোকরা একটু কেটে রাস্তাতে আসছে যে এরকম বারবার হইতে থাকে, তো ম্যানেজমেন্ট আসতেছে, আমরাও আছি, সবাই এখন আসে কথা কথা বলবে যে এই সমস্যার সমাধানটা কিভাবে করা যায়। কালকে চারটের পরের থেকে শুরু হয়েছিল প্রচন্ড পরিমাণে জল আসা, সে জলের জলের তোড়ে আমাদের ঘরে সমস্ত, এইখানে তো পাঁচিল ভেঙে গেছে, আমার ঘরে প্রচন্ড পরিমাণে জল ঢুকেছে। এই যে আমার মন্দির দেখছেন, এই মন্দিরে দুটো সিঁড়ি তিনটে সিঁড়ি ডুবে গেছিল, একটু মন্দিরে এইটুকুর জন্য মন্দিরে জলটা ঢোকেনি, ওই পাঁচিলটা ভাঙাতে মন্দিরে জলটা ঢোকেনি। আর আমাদের ঘর পুরো ভেসে গেছে, বিছানা টিছানা অবধি ভেসে গেছে। এখানে এই যে নালা আছে, নালা পরিষ্কার হয় না। আর এই যে কালচিনি চা বাগানে যে মানে বেআইনি ভাবে পাঁচিল দিয়ে রাখছে মাটির ডিমা চা বাগানে, বেআইনি ভাবে একটা পাঁচিল দিয়ে রাখছে, আইনে বলে যে পাশের জমিতে যদি জল থাকে তার আগের জমিতে কোনো কিছু আটকানোর নিয়ম নেই, কেউ আটকে রাখতে পারে না, কারণ তখন ওইটা সরকারের হয়ে যায়, এবং সরকার যদি যেখান দিয়ে জল পাস করতে বলবে সেখান দিয়ে জল পাস হবে। মানুষ আগে বাঁচবে না তুমি পাঁচিল দিয়ে নিজের জমি। जायलेस एकेडमी एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, बस 3 और 6 महीने का ब्यूटिफिकेशन कोर्स करें और आत्मनिर्भर बनने का मौका पाएं। जायलेस एकेडमी कोर्स पूरा होने के बाद 100% जॉब गारंटी भी देती है, तो अब देर किस बात की। जायलेस एकेडमी गोपी मोहन मोड जयगांव GP1 कार्यालय के पास जल्दी संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8945008520 और 8170029496। धन्यवाद। खुशखबरी, अगर आप नेत्र की समस्या से परेशान हैं और बाहर जाने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। नेपाल के बिरता मोड़ से अनुभवी डॉक्टर जयगांव के मंगलाबाड़ी में स्थित गिरी मेडिकल में प्रत्येक एक दिन पर आ रहे हैं। इस जगह एडवांस फेको सेंटर और टोटल आई केयर की व्यवस्था भी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9733485444।